रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो क्या आप एंटी बीजेपी हो बिल्कुल नहीं क्यों नहीं आई लव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बीजेपी ने किया है और जो मैं ग्राउंड पे देख पाती हूँ खुद से स्पेशली फॉर द पीपल मतलब uh, उन्होंने मतलब खुद के लिए भी किया है तो लोगों के लिए भी किया है और uh, जैसे सबसे ज़्यादा मैं अगर इम्प्रेस्ड हूँ बीजेपी की इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स पहले से हुआ करती थी uh, पर बीच में इतना करप्शन होता था चीज़ों को लेकर बिकॉज ऑफ हाउ स्मार्टली बीजेपी हैज़ यूज देयर ओन काडर हाउ स्मार्टली उन्होंने ब्यूरोसी को यूज़ किया है और कितना स्मार्टली उन्होंने uh, इस्पीड इस चीज़ को स्पीडी बना दिया है चीज़ों को पहुंचना स्केलेबल बना दिया है और उन्होंने लीकेजेस कम कर दिए हैं मतलब जैसे जनधन योजना जो है मतलब जैसे बहुत सारे डायरेक्ट ट्रांसफर्स आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं पहले क्या होता था कि आप इस ऑफिस में जाओगे उस ऑफिस में जाओगे यहाँ से आपको धक्का मारेंगे फिर आपको यहाँ पे किसी को थोड़े एक दस परसेंट देना है तब आपको जो आपका पैसा होता था वो मिलता था अब वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और ये भी क्यों आ पाया क्योंकि उन्होंने जनधन योजना वगैरह में सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिया है मतलब दे डेटा -डे यूज ड्राइव कि भाई सबके बैंक अकाउंट तो खुलने ही चाहिए और सबको टारगेट्स दे दिए मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक को टारगेट्स दिए थे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने बैंक अकाउंट्स खुलने चाहिए ना डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन दैट डिस्ट्रिक्ट और अचीव नहीं होते थे तो मतलब आई हैव नोन पीपल जिनको सेंटर से कॉल आया है कि आपके टारगेट्स क्यों अचीव नहीं हुए हैं तो इतना प्रिसिशन इतना माइक्रो लेवल पर ट्रैक करके काम को करवाना और इतने बैंक अकाउंट्स खोल दिए आज पीएम आवास योजना के आप घरों में मेरे साथ चलोगे दीज हाउसेज आर बेटर देन आई विल से नब्बे परसेंट प्राइवेट घरों से बेटर घर हैं पीएम आवास योजना में जो आपको घर बन के देते हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो कच्चे घर में रहते हैं उनके लिए पी एम आवास योजना में घर बनते हैं और उसका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है और वो घर इतने अच्छे हैं वो बिल्डिंग्स इतनी अच्छी लिफ्ट है उनमें जो ओपन एयर जिम्स जैसे बोलते हैं वो जिम्स हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर ये अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया तो ये कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की है इज़ डेफिनेटली वर्थ अप्रीशिएटिंग फॉर श्योर Uh, uh, क्या आप एंटी कांग्रेस हो? बिल्कुल मतलब I am, मतलब मैं तो जब से बड़ी हुई हूँ तब से मैंने बीजेपी ही देखा है तो मैं बहुत छोटी थी शायद जब मैंने कांग्रेस देखा होगा आई एम एंटी कांग्रेस इज जस्ट टू वीक टू बी एंटी इट ऑल्सो मतलब मतलब मैं क्या ओपिनियन बनाऊँ उस पार्टी का जो खुद ही आज समझ नहीं पा रही है कि उन्हें क्या करना है क्या वो क्या कर रहे हैं मतलब आप यू कांट आप एक ही एक रास्ते पे जाके अलग आउटकम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना और वो अभी भी एक ही एक रास्ते पे चलती जा रही हैं और इट्स नॉट चेंजिंग एनीथिंग इनफैक्ट मैं कांग्रेस को ब्लेम करूंगी कि आज किसी भी देश के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए एक हेल्दी uh, अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस का लीडरशिप इतना वीक है कि आज उनके लोग इतना ज़्यादा टूट गए अंदर से Uh, कि आज ऑपोजिशन भी नहीं है एंड वो एक देश के साथ में गद्दारी एक तरह से कि आपने आज देश को एक अच्छा ऑपोजिशन देने का भी प्रयत्न नहीं किया मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊँगी तीन चार दिन पहले की बात है सूरत में गुजरात में एक सूरत करके जो शहर है वहाँ पे हमारा इलेक्शन अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है ना फिर भी वहाँ पे एक एमपी ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं क्योंकि जितने भी ऑपोजिशन वाले लोग थे उन्होंने अपने अपने फॉर्म्स विड्रॉ कर लिए uh, अब किसी ने और रीजन्स भी दिए हैं कि किसी ने बोला मुझे डिप्रेशन हो गया दिस इज़ एन एक्चुअल रीज़न बाई गिविन बाय समबडी आपने सूरत के लोगों को मौका ही नहीं दिया वोट देने का कि वो आपको अपोजिशन के लायक भी वोट कर पाए और आपका कंट्रोल ही नहीं है आपके लोगों के ऊपर कि आज कोई कभी भी पार्टी चेंज कर देता है आपका कार्डर कहीं का कहीं चला जाता है सो so, दे हैव नो कंट्रोल पर से मतलब आई एम प्रिटिश देट दे आर ट्राइंग एंड दे आर ऑल्सो उनको बहुत डिप्लीट कर दिया है रिसोर्स वाइज मतलब आज उनके बैंक अकाउंट्स के बैन कर दिए कांग्रेस के तो पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के रिवोल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली जब आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है जिसके पास बेशुमार पैसा है मतलब हम उतने ज़ीरो शायद काउंट करने में मुझे पाँच मिनट लग जाएंगे जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है तो और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पैसा नहीं कमाया है ठीक है तो कांग्रेस में मतलब एक डिफरेंस जो अब मैं सुनती हूँ बड़े लोगों से इज कि कांग्रेस में नेताओं ने पैसे कमाया है और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा कमाया है तो सो दैट इज़ दैट इज अ डिफरेंस तो देर हैव टू be रेडिकल चेंजेस और ये भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि हाँ चलो आज नहीं तो दो साल में कांग्रेस बदल जाएगी बिकॉज कांग्रेस एज अ स्ट्रक्चर भी बहुत मेहमत है मतलब इट इज लैक्स ऑफ पीपल इन दैट स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं होता है कि आज आपने राहुल गांधी को हटा दिया और आज किसी को रख दिया ऐसे पॉसिबिल ही नहीं है मतलब पार्टी टूट जाएगा वैसे ही टूटा हुआ पार्टी और टूट जाएगा तो कांग्रेस का फ्यूचर क्या है वैसे ऑनेस्टली मुझे तो किसी भी ऑपोजिशन का फ्यूचर नहीं दिख रहा है <laughs> तो बट सी मतलब ना पावर का फितरत होती है ना कि वो बदलता रहता है मतलब पावर आ, मतलब लक्ष्मी की तरह होता है वो चंचल है तो पावर नहीं बदलेगा तो सड़ने लगेगा वो नदी की तरह नदी बहेगी तो वो इरिगेशन में काम आ सकती है लोगों का भला कर सकती है वो एक ही जगह पे नदी रुक गई तो वो सड़ने लगेगी बदबू आएगी तो पावर चेंज होता ही रहता है आज बीजेपी के पास है कल कांग्रेस के पास होगा परसों आम आदमी के पास होगा कभी किसी और के पास होगा आम आदमी पार्टी एज अ फिनोमिना किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि एक नई सी पार्टी आएगी और दो स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना लेगी या इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कांग्रेस जैसी पार्टी को उनके साथ अलायंस करना पड़ेगा जो कांग्रेस अपने आप को कुछ समझती थी एक पॉइंट पर कि हमारे आगे कोई नहीं आज को आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ रहा है तो पावर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल और इसलिए अगेन मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप पॉलिटिशियंस को लेकर और पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर मत लड़ो आज ये पावर में है कल को कोई और पावर में है आपको अपना धंधा चलाना है आपको अपना घर चलाना है आपको अपने अपना सोशल सर्कल मेंटेन करके रखना है तो इन सब के लिए आप मत करो आज जो लोग आज मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो किसी एक नेता के लिए सामने वाले का गला दबाने के लिए रेडी थे आज उनका नेता उस पार्टी में चला गया आप क्या करोगे आप लाइक ओवर नाइट बिकॉज पॉलिटिशियंस चेंज देर चेंज पार्टीज लाइक द चेंज क्लोथ्स नाउ राइट और अब तो वॉशिंग मशीन वाला भी पूरा आ गया कि मतलब आपने कितना भी करप्शन किया हो जैसे ही एक पार्टी में आते हो आपके सारे करप्शन के चार्जेस धुल जाते हैं तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि पॉलिटिशियंस चेंज करते हैं उनके लिए इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब की आज अगर मुझे कोको कोला में उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं पेप्सी में जाऊंगी पेप्सी में अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं आ, वापस कोको में आ जाऊँगी या मैं फ्रूटी की वाली कंपनी में चली जाऊंगी मैं आटीसी में चली जाऊंगी तो आज पॉलिटिशियंस के लिए भी इट्स अ करियर तो आज अगर उन्हें कांग्रेस में ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो बीजेपी भी में जा रहे हैं बीजेपी में ग्रोथ नहीं दिखेगा तो आम आदमी में जाएंगे इट इज नॉट आइडियोलॉजिकल एनी लाइक नो पॉलिटिकल पार्टी इज आइडियोलॉजिकल पर से इस साल आई में सनराइजर्स हैदराबाद नाम की एक टीम

बिल्कुल होंगे इनफैक्ट बीजेपी में आज आप देखोगे मेजॉरिटी जिन लोगों को मेजोरिटी तो नहीं पर बहुत सारे लोगों को जिनको टिकट मिली है इस इलेक्शन में वो कभी बीजेपी के थे नहीं वो आए हैं अभी तो बीजेपी uh, में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपने सालों दे दिए उन्होंने फैमिलीज़ ने भारतीय जनता पार्टी को अपने अपनी पूरे जीवन दे दिया आज उनको टिकट ना मिलके ऑपोजिशन के जिसके uh, uh, लीडर को इन लोगों ने अपनी पार्टीज़ में लिया उनको टिकट मिल रही है एज अ गिफ्ट राइट लाइक फॉर देम चेंजिंग देर आइडियोलॉजी दिस इज़ अ गिफ्ट कि आपको पार्टी हमने टिकट दे दिया तो वो विद्रोह धीरे धीरे ऑलरेडी दिखने लगा है कि कितनी सीट्स पर बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दिया पर उन्हें नाम चेंज करना पड़ा तो ये विद्रोह अंदर से ही आएगा और बिकॉज uh, आज की तारीख में एवरीबडी इन भारतीय जनता पार्टी नॉट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग कि हमारे साथ धोखा हुआ है कि मतलब हमने इतने साल दे दिए इस पार्टी को और आप जिसको आज तक हम जिससे लड़ रहे थे आप उसी को इस पार्टी में ले आते हो और आप उसे टिकट दे देते हो तो अब जो धीरे धीरे जिस तरह से लोग आ रहे हैं मतलब रोज आप नहीं मानोगे दो से तीन हजार लोग जैसे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं अब ये लोग आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जि जिस तरह से एक आरएसएस का सेवक होता है वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से अलाइंड है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए तो ये लोग उतने आइडियोलॉजिकल मतलब ऑफकोर्स वो मीडिया में आके स्पीच कुछ और दे देंगे बट वो मर मिटने के लिए तैयार नहीं है जैसे एक प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से तैयार होता है तो आई थिंक धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी फॉर श्योर दे आर सो इंटेलिजेंट एंड दे आर सो स्मार्ट तो उन्हें ये चीज पता है होगी बट uh, क्या बीजेपी में स्प्लिट होगा आने वाले सालों में वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट कंसिडरिंग बीजेपी अपने लोगों को कैसे संभालता है बीजेपी की हर एक पर हर किसी पर नजर है एंड बाई बीजेपी आई विल से नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह यू कैन नॉट एस्केप आइज मतलब आप ऐसा आप एक ऐसी मीटिंग नहीं कर सकते जो उनकी नजरों से उन्हें नहीं पता चल रही आप एक ऐसा फ़ोन कॉल नहीं कर सकते जो उन्हें नहीं पता चल रहा आप एक ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जिसके बारे में उन्हें ना पता उन्हें सब पता है तो जो कि भारतीय जो कि कांग्रेस ने बहुत हल्के में ले लिया कांग्रेस ने अपने लीडर कांग्रेस के लीडर्स मैं आपको बताऊंगी जैसे गुजरात में लीडर्स ने पार्टी चेंज कर दी मेज पार्टी प्रेसिडेंट ने पार्टी चेंज कर दी और उसके को प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है कि मेरे प्रेसिडेंट ने पार्टी चेंज कर दी इट इज़ नॉट पॉसिबल इन भारतीय जनता पार्टी एट ऑल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे गेट द काइंड ऑफ एक्सेस दे हैव Uh, आप कर ही नहीं सकते हो इट इज़ अन इमेजिनेबल फॉर एनी बडी कैसे यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी हंड्रेड परसेंट यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी आई बी ऑल द एजेंसीज एट दर डिस्पोजल एंड देर कार्डर इट सेल्फ मतलब उनका कार्डर भी इतना सॉलिड है कि आप कुछ भी उनकी नज़रों से नहीं बच सकते हो एंड आई थिंक जो ये दो लोगों की हमने बात की है इन दे आर सो डेडिकेटेड दे जेन्यूनली कीप एन आई ऑन एवरी वन आज मतलब इट इज़ नॉट अ जो कि जब नरेंद्र मोदी किसी भी सभा में जाते हैं वहाँ का जो सबसे लोएस्ट लेवल का कार्यकर्ता होगा उनको उनके फादर का नाम याद होगा हो सकता है कि वो उनको आने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि आप इनसे मिलने वाले हो, इनसे मिलने वाले हो बट दैट पर्सन मेक्स इट पर्सनलाइज्ड वो एक आपको ऐसा फील कराएंगे यू हैव मेड हिम आपको वो ऐसा फील कराएंगे कि वो पर्सनली आपको कब से जानते हैं और वो आपके ही बड़े ग्रैंड फादर हैं तो इस लेवल का पर्सनलाइजेशन बहुत मिसिंग है और इस लेवल का कमिटमेंट भी बहुत मिसिंग है ऑपोजिशन में हिफाइज से और इस लेवल का सर्वेलेंस भी मिसिंग है तो सो <laughs> बीजेपी so, में स्प्लिट होने के लिए इधर यू हैव टू बी सो पावरफुल कि आपके आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता या आपके पास कुछ भी ना हो तो वो आपसे कुछ नहीं छीन सकते वरना भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आंखों से एस्केप करना न्यूअरली इम्पॉसिबल है दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ